नमस्कार, मैं आरती और आप सभी का स्वागत है आरजे न्यूज में। इस वक्त एक अहम खबर सीधे गरियाबंद से, जहां पर आरजे न्यूज के खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता देव प्रसाद बघेल ने नशेड़ी शिक्षक के खिलाफ प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन, गरियाबंद कलेक्टर प्रभात मलिक एवं जिला शिक्षा अधिकारी चौहान ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सोमवार को जाँच दल बनाकर ग्राम भाटापानी भेजा गया। जाँच दल जैसे ही भाटापानी पहुँच कर इसकी जानकारी लगते ही शराब के नशे में दो स्कूल में बैठे शिक्षक पीछे से भाग गया। आपको बता दें कि जांच दल को विद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्रों ने रो रोकर बताया कि शिक्षक सतीश कुमार दुबे प्रतिदिन शराब पीकर आते हैं और मारपीट करते हैं। तो वहीं बच्चों ने यह भी बताया कि शिक्षक आज शराब के नशे में बच्चों को धमकी दे रहे थे कि मेरे खिलाफ शिकायत करने वाले लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इस दौरान जांच दल के सामने ही ग्रामीणों ने अपने बयान में बताया कि शिक्षक सतीश कुमार दुबे प्रतिदिन शराब के नशे में स्कूल पहुँचते हैं और बच्चों से मारपीट करते हैं, कभी कभी तो कोई बड़ी घटना भी घट सकती है। तो वही ग्रामीणों ने तत्काल उक्त शिक्षक को बर्खास्त करने और अन्य शिक्षक की व्यवस्था करने की मांग भी की है। आपको बता दें कि जांच में पहले विकासखंड शिक्षा के अधिकारी महेश कुमार पटेल, BRCCS के नागे ने बताया कि आज जब जांच दल स्कूल पहुंचे तो पदस्थ शिक्षक सतीश कुमार दुबे गायब हो गए। हमारे स्कूल पहुंचने से पहले ही वह स्कूल में नहीं थे, और साथ ही साथ बच्चों और ग्रामीणों से बयान भी लिया गया कि जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं और पालकों ग्रामीणों ने यह बताया कि शिक्षक शराब के नशे में प्रतिदिन स्कूल आकर बच्चों से मारपीट करते हैं। आपको बता दें कि पटेल ने आगे यह भी बताया कि उक्त शिक्षक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने जिला शिक्षा अधिकारी और गरियाबंद को प्रतिवेदन बनाकर भेजा जा रहा है और स्कूल में एक अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था कर दी गई है।